फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैंने मंगवाया है ऑनलाइन कैला लिली का प्लांट, और कैला लिली मुझे बहुत ही पसंद है। एक प्लांट मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है जो कि वाइट कलर का है, बट मुझे ये कलर जो ऑरेंज कलर है, ये कलर मुझे बाहर नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ऑनलाइन इसे मंगाया है। और इसका कलर देखिए इमेज में कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत इसका कलर है। जब भी आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यही देख के मैंने मंगवाया है, और सिर्फ एक ही मैंने जो है इसका बल्ब मंगवाया है, सिर्फ एक बल्ब, क्योंकि कई सारे पौधे मंगवा के मैं क्या करूँगी, मेरे पास इतने ज़्यादा जगह नहीं है लगाने के लिए। तो सिर्फ एक बल्ब मंगवाया है ताकि एक अपने पॉट में मैं इसको लगा सकूँ। तो यही मैं ओपन कर रही हूँ, आप सभी को दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है छोटा सा। पहले तो ये पैकेट इतना हल्का लग रहा है, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि इसमें कुछ है भी। ये देखिए, ये देखने में भी नहीं लग रहा कि इसमें कुछ है भी, मतलब लग रहा है सिर्फ पॉलिथीन ही है। बट डर तो लग रहा है बहुत ज़्यादा, पर ओपन करके देखते हैं कि इसमें कुछ है भी या नहीं है, सिर्फ पॉलिथीन भर के इन्होंने दे रखा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए कि कैसा बल्ब इन्होंने मुझे दिया है। तो ये देखिए, ये है इसका बल्ब। ये देखिए, पॉलिथीन के अंदर इन्होंने पैक करके इस तरह से दिया है, और ये शायद कोकोपीट थोड़ा सा लगाया हुआ है, कोकोपीट में लगा हुआ है। ये देखिए, कोकोपीट में लगा है, और देखिए इस पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए, कैला लिली ऑरेंज। ये देखिए, कैला लिली ऑरेंज इस पे लिखा हुआ है, और ये पूरा सील पैक किया हुआ है इसको। तो इसको निकालते हैं और देखते हैं कि इसकी साइज कैसी है। तो लीजिए, मैं इसको सीजर से कट कर लेती हूँ, और चलिए इसे निकालते हैं और इसको इस पॉलिथीन के ऊपर निकालते हैं, ताकि जो भी गिरे वो इस पॉलिथीन के ऊपर ही गिरे। तो ये देखिए, ये कोकोपीट के अंदर इन्होंने लगा रखा है, पूरा ऊपर में कोकोपीट लगा हुआ है, और मेडिसिन की भी स्मेल आ रही है। मेडिसिन के अंदर भी ये पोर किया हुआ है, मेरे ख्याल से मेडिसिन इसलिए लगाई होगी ताकि ये जो है बल्ब वो ख़राब ना हो। और फ्रेंड्स, ये 90 जर्मिनेशन जो हैं मैंने उनसे मंगवाया है, मतलब जो अमेजोन पे है 90 जर्मिनेशन, फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाया। मैंने पहले कभी भी नहीं मंगवाया था, फर्स्ट टाइम इस बार ही मंगवाया है मैंने। और ये देखिए, मैंने पहले से साफ का घोल जो है तैयार करके रखा था फंगीसाइड का, और मैंने इसमें डाल दिया है, पोर कर दिया है। इसको थोड़ा सा धो लूँगी इसमें, और मैं चेक करूँगी कि ये बल्ब देखिए है कैसा, क्योंकि फंगीसाइड अच्छा रहेगा इसके लिए। फंगीसाइड में अगर हम धुल के लगाते हैं इसको तो सही रहेगा। ये देखिए, ये है बल्ब, थोड़ा सूखा सूखा टाइप का है, ये देखिए ये इस तरह से। और बहुत बड़ा बल्ब नहीं है, छोटा ही बल्ब है। अब ये कैला लिली का बल्ब बड़ा होता है या छोटा होता है, इसका मुझे आइडिया इतना है नहीं, लेकिन ये बल्ब जो है, ये देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये फ़िलहाल इतना बड़ा ही बल्ब है। अगर आप लोग को आइडिया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताना कि इसका बल्ब इतना ही बड़ा होता है, इससे भी बड़े बल्ब आते हैं इसके। तो ये बल्ब मैंने मंगवाया है, और इसको अब मैं पीछे से थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा है, इसका बैक साइड जो है ना, जो पीछे नीचे का एरिया, थोड़ा सा चिपचिपा सा मुझे लग रहा है। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से धुल ली हूँ फंगीसाइड वाले पानी में, और धुलने के बाद में मैं इसको अच्छी तरह से चेक कर ले रही हूँ। थोड़ा सा पीछे चिपचिपा, हालाँकि ये रिटर्नेबल नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि ये रिटर्न होगा। तो इसको मैं अब इसको फंगीसाइड वाले पानी में धुलने के बाद इसको पॉट में सीधे रिपोर्ट भी कर देती हूँ, क्योंकि ये रिटर्नेबल तो है नहीं, तो इसको डायरेक्ट रिपोर्ट ही कर देते हैं, सॉरी पॉट कर देते हैं, रिपोर्ट नहीं करना इसे हमें, इसे हम लगा देते हैं पॉट में, और फिर देखते हैं कि ये जर्मिनेट होता है या नहीं होता है। कुछ समय के बाद मैं आपको अपडेट दूँगी इसका, कैला लिली का। तो ये देखिए, पहले से मैंने मिट्टी तैयार करके जो है रखी हुई है, और इसमें जो आपको पता ही होगा कि कैसे तैयार करनी है, कोई भी बल्ब लगाते हैं तो उसकी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। तो इसमें जो है मैंने मिलाया हुआ है मिट्टी,
और जो रेत होती है, बालू जिसको बोलते हैं, बालू है और कंपोस्ट है, और थोड़ा इसमें कोको पीट भी मिक्स है और फंगीसाइड भी मिक्स है, और इसमें नीम खली भी मैंने मिक्स किया है, क्योंकि बल्ब में कोई भी वो नहीं लेना चाहिए, एहतियात ज़्यादा बरतना चाहिए, क्योंकि बल्ब जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा फंगीसाइड और थोड़ा नीम खली ज़रूर मिलाएं अपनी मिट्टी में। तो ये देखिए, ये छोटा सा बल्ब है और मैंने इसको यहाँ रख दिया है 1 इंच की गहराई पे लगभग, और ये जो आपको वाइट वाइट सा हिस्सा दिख रहा होगा इसको हमेशा ऊपर रखें, और जो बिल्कुल सर पे एरिया होता है ना जिसको सपाट बोलते हैं, बिल्कुल फ्लैट वाला एरिया, वो नीचे रहेगा। और ये करने के बाद मैंने मिट्टी से इसको देखिए अच्छी तरह से ढक दिया, और इसको देखते हैं जर्मिनेट होने में कितना टाइम लगता है, और बस इसको पानी डाल देती हूँ, और पानी डाल के इसको बिल्कुल एकदम हल्की छनी हुई जहाँ धूप आती है वहाँ पे रखूँगी, क्योंकि अभी इस वक्त जो है गर्मी आई नहीं है, मौसम कूल है, तो इसको हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ हल्की सी धूप आती हो, छनी हुई सुबह की हल्की धूप आती हो, वैसी जगह रख देंगे तो ये आसानी से जर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि अच्छे से इसकी जो मिट्टी है पूरा नीचे तक गीली हो जाए। इस कैला लिली बल्ब की प्राइस मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो इसकी प्राइस जो मुझे पड़ी थी वो थी 169 रुपीज की पड़ी थी, और 55 रुपीज इसमें डिलीवरी चार्जेज भी ऐड कर लीजिए, तो 169 प्लस 55 रुपीज जो है ये पड़ी थी, तो टोटल हो गए आपके 224 रुपये के नियर अबाउट, हाँ 224 रुपये का ये पड़ा हम मुझे एक बल्ब। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको ख़रीदना है तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी इसको ले सकते हो। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो अगली बार फिर मिलेंगे आप सभी से दोस्तों, तब तक के लिए कीप गार्डनिंग, बाय बाय दोस्तों।